नमस्कार दोस्तों, यह जो आप औषधि देख रहे हैं इसको नवाइस लोए कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस औषधि में आयरन या लोहे पड़ा हुआ है। यह लोहे भस्म के रूप में डला हुआ है। भस्म की बनने के कारण लोहे के जो माइक्रो पार्टिकल हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिससे यह शरीर के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और यह आरबीसीज आदि को बढ़ाकर शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसमें लोह भस्म के अलावा त्रिफला अर्थात हरड़, बहेरा, आंवला, तिरकटु अर्थात सौंठ, काली मिर्च और पिपली भी डली हुई हैं। साथ में इसमें बिडंग, नागरमौथा, चित्रक आदि भी औषधियों का उपयोग किया गया है। बिडंग डले होने के कारण यह बच्चों के कृमि रोग में भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही यह अग्निमंद को दूर करने या भूख बढ़ाने का कार्य भी करती है। साथ ही यह बहुत अच्छी पाचक औषधि भी है। इस तरह से यह आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा औषधीय योग है, जो शरीर में खून बढ़ाने के साथ साथ अग्निमंद, कृमि आदि रोगों में भी काम करता है।